हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग R9 TV। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा, लेकर आई हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में इन दिनों एक्टर राजकुमार राव छाए हुए हैं। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ट्रेलर में क्या कुछ खास, चलिए आपको दिखाते हैं और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि क्या कुछ है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट। राजकुमार राव और मौनी राय स्टारर फिल्म मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मिखिल मुश्रे के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। मूवी में अमायरा दस्तूर, परेश रावल, बोमन ईरानी, गजराज राव और सुमित व्यास भी मेन लीड में दिखेंगे। मजेदार कंटेंट वाले इस मूवी के ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। करीब एक महीने तक लगातार आयुष्मान फिल्म की शूटिंग को लेकर बिजी रहेंगे। आयुष्मान ने सोशल मीडिया पर फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म के सभी कैरेक्टर एनिमेटेड रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म इंडियन 2 के सीक्वल के लिए कमल हासन फिल्म की पूरी टीम के साथ राजमुंद्री पहुंच गए हैं। कमल राजमुंद्री सेंट्रल जेल में शूटिंग करेंगे। कमल जैसे ही शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और वहां काम करने वाले ने उन्हें पिक्चर्स लेने के लिए घेर लिया, साथ ही जोरदार वेलकम भी किया। राजमुंद्री सेंट्रल जेल की एंट्रेंस पर ली गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अक्षय कुमार कोई भी रिस्क लेने या एडवेंचर के नाम पर कुछ नया करने से कभी नहीं घबराते। एक वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षय कुमार ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो में सवार हो गए। खिलाड़ी कुमार ने एक वीडियो शेयर कर पूरी कहानी सुनाई और खचाखच भरी मेट्रो का सीन भी दिखाया। आईफा अवार्ड्स 2019 में रणवीर सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद जब स्टेज से रणवीर सिंह ने स्पीच देनी स्टार्ट की तो दीपिका पादुकोण भावुक हो गई। अवार्ड नाइट में भी रणवीर दीपिका के लिए बहुत केयरिंग दिखे। फंक्शन में रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के गाउन का ट्रेल अपने हाथ में लेकर चलते नजर आए। तो देखा आपने क्या कुछ है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड के स्टार कास्ट का आईफा अवार्ड में जलवा बरकरार है। आईफा अवार्ड से जुड़ी अपडेट लेकर आएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड ब्रेक। बाय बाय एंड टेक केयर।